विवेकानंद ग्रामोद्योग महाविद्यालय के संस्थापक व गांधी विचारक शिक्षाविद रामशंकर गुप्ता बाबू की प्रथम पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को निशुल्क कंबल वितरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर डॉ. विनीत त्रिपाठी ने शिक्षाविद रामशंकर गुप्त के जीवन के कृतित्व व्यक्तित्व पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DM सुनील वर्मा व विशिष्ट अतिथि SP अपर्णा गौतम ने शिक्षाविद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर कहा कि पूर्वजों की पुण्यतिथि पर गरीबों की सेवा सबसे पुण्य का काम है। निशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ DM सुनील कुमार वर्मा, SP अपर्णा गौतम व CDO अशोक बाबू मिश्रा ने दीप प्रज्वलन कर सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। इसके बाद रामशंकर गुप्त के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 7 मिनट की डॉक्यूमेंट्री फिल्म में रामशंकर गुप्त के संघर्षों के बाद जनपद को उच्च शिक्षा मिलना दर्शाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए DM सुनील कुमार वर्मा ने कहा, बाबूजी ने जो संघर्ष किया उसे आगे बढ़ाए रखना है। हम लोक सेवा की नौकरी में हैं, तो पहला काम लोक सेवा यानी लोगों की सेवा ही है, फिर कोई दूसरा काम। इसलिए बाबूजी ने जो लोक सेवा का सपना देखा उसे अनवरत आगे बढ़ाते रहना चाहिए। SP अपर्णा गौतम ने कहा कि 1972 में महाविद्यालय खुला तो ये कई युवाओं का जीवन सुधार चुका होगा। बाबूजी ने जिस ध्येय से इसकी स्थापना की उससे सैकड़ों युवाओं को रोजगार मिला। जनपद उनके संघर्षों को हमेशा याद रखेगा। CDO अशोक बाबू मिश्रा ने कहा कि गांधी विचारक सादगी पूर्ण होते हैं। उन्होंने गांधी दर्शन और पश्चिमी सभ्यता पर तुलना कर जानकारी दी। कहा कि बाबूजी के जीवन वृत्त सादगी से भरा पड़ा है। इसे पूर्व सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर शॉल उठाकर सम्मान किया गया। प्राचार्य डॉक्टर इफ्तिखार हसन ने कॉलेज के बारे में जानकारी दी। प्रबंधक राजेश गुप्ता ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर जिला प्रेस क्लब के संरक्षक सुरेश मिश्रा, अध्यक्ष सुनील गुप्ता, प्रधानाचार्य पवन गुप्ता, शिव प्रताप सिंह, आशीष सविता, अमित चौबे, राजेश उर्फ मुन्ना शुक्ला, प्रोफेसर इकरार अहमद, डॉक्टर राकेश तिवारी, डॉक्टर संदीप उमर, डॉक्टर ममता शुक्ला, मधु गुप्ता, भावना गुप्ता, शुभ गुप्ता, रुद्र गुप्ता, महेश पांडे, प्रशांत तिवारी, रेणु गुप्ता, सौरभ गुप्ता, स्टाफ व नागरिक मौजूद रहे। हमारे मीडिया बंधु, विशेष तौर पर हमारे जागरण के जो हीरो चीफ हैं, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया, आयोजित करवाया, सभी मीडिया बंधु और साथ में हमारी जो जनता है जो आए हुए यहाँ पे हमारे समस्त उपस्थित हैं, इन सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जो एक परंपरा बाबू जी डाल के गए थे, एक मानव सेवा की परंपरा, इसके अलावा मानव की जो हमारा मानवता को आगे बढ़ाने की जो परंपरा थी, उस परंपरा का निर्वहन हम सभी को करना है, क्योंकि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं। अगर मानवता से बड़ा कोई धर्म होता तो जो उस धर्म की पूजा कर रहे होते मानवता कोई नहीं करता। अगर कोई धर्म है जिसको लेके हर आदमी सामान्य रूप से या बराबर रूप से आगे बढ़ सकता है तो वो केवल मानवता ही है। मानवता ही हमारा धर्म होना चाहिए और मानवता ही हमारा कर्म होना चाहिए। अगर उस रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे तो किसी तरह का कोई विवाद आपस में संभव नहीं है। लेकिन अगर हर आदमी अपना एक अलग रास्ता, एक अलग कर्म, मानवता से डिफरेंट एक अलग धर्म अपनाना शुरू कर देगा तो कहीं ना कहीं हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म हम सभी का होना चाहिए। हम लोग सर्विस में भी इसीलिए आए क्योंकि अन्य सर्विसेज में जो एक सीधा पब्लिक से जुड़ाव का अवसर होता है वो नहीं प्राप्त हो पाता। योगदान सभी हम अपने देश के लिए करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं, लेकिन एक सीधा योगदान देने का जो अवसर सर्विसेज में रहता है वो प्रशासनिक सेवाओं में ही रहता है, चाहे वो IPS हो, चाहे IAS हो या अन्य सिविल सेवाएं हो। तो उसी उद्देश्य को लेकर हम सभी लोग आगे बढ़े हैं। तो हमारा परम उद्देश्य मानव सेवा ही है, पब्लिक सर्विस ही है, और उसके बाद कोई दूसरा या तीसरा हमारा धर्म होना चाहिए। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे बढ़े तभी हमारे जो बाबूजी का जो संकल्प था, जो उनका रास्ता था, वो चरितार्थ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।